मारो इसको, मारो किस दादा की इसको, पोती मारो है? इसको, नहीं, किस दादा की एक पोती मिनट, है? इसके एक दादा मिनट की रुको, बर्थडे है ना? मारो इसको, इसको मारते क्यों नहीं, इसको मारो, मारो इसको, मारो मारो अच्छा नहीं, मारो अच्छा नहीं, नहीं इसको नहीं, बस 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 बस। ये देखें जी, पहले शार्ले साहब ने ऊपर से आए हैं घूम फिर के, ऊपर सख्त धूप है ना, तो शार्ले को गर्मी लगी है। शार्ले ने पहले काफ़ी सारा पानी पिया है और अब आके ठंडे कपड़े पे लेट गए। अब वो पंखा भी चलाओ ना तो बच्चों का रूम साफ करो तो वो गर्मी वाली फीलिंग्स आने लग गई हैं, लेकिन अभी आई नहीं है। रात को ठंड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, अजीब सा मौसम है, धूप निकलती है तो गर्मी लगती है और रात हो जाए तो ठंड लगती है, ऐसा मौसम है यहाँ पे हमारा। और ये देखें शार्ले, शार्ले ठंडी जगह पे बैठा हुआ है और वो मिस मैगी और साथ में मैक्स हैं और बाकी बच्चे वो अपने घर को ना, सर का टाइम है और हमने अभी छोटे मैक्स को डॉक्टर को चेक करवाना है, एक दफ़ा जाके चेक करवाएंगे। और वो शार्ले को भी खाना दिए, दोबारा से मांगने लग गया, दराज खोलने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। मैक्स को क्या दिखा रही हो? नहीं दिखाओ तो सही, जा रहे हैं। सैम, मैक्स जी, हम पापड़ बनाने लगे हैं। अभी तुम वीडियो देख रही थी तो अचानक से ना दिमाग फिर गया हमारा, हमने कहा चेक करते हैं। सोचा हम भी ट्राई करें। इसमें क्या बनाया था? बेटा टोस्ट बनाया हुआ था। कितनी देर लगाने हैं? अभी थोड़े से ट्राई करते हैं पहले। हमने सारी सारी जिंदगी कितना ऑयल खाया है ना। मैक्स को डॉक्टर के पास लेकर गए थे और फिर हम चले गए थे होम मार्ट और वहाँ से फिर मम्मा की तरफ चले गए। तो मम्मा के घर गई तो मैं ऐसे ही मोबाइल जो है ना वो यूज़ कर रही थी, तो मैंने एक वीडियो देखी कि एयर फ्रायर में ना ये जो घर में जो हम ये पापड़ लेते हैं जो फ्राई करते हैं ऑयल में, ये बनाने का तरीका, तो उनके तो बड़े अच्छे बन गए। तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई करके देखती हूँ एयर फ्रायर में ये कैसे बनते हैं, लेकिन बिल्कुल फेल चीज़ है, बिल्कुल ही अच्छे नहीं बनते। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी जी मैं अभी जी हम आए हैं मैक्स को चेक करवा के, फिर वहाँ चले गए थे रिदा की अम्मी वगैरह के घर, वहाँ पे खाना छाना खाया और अब घर आ गए हैं। और अब मेरा कुछ मीठा खाने का दिल तो रिदा कहती चाय बनाते हैं, उसके साथ ना मीठे टोस्ट बना लेते हैं, मीठे सैंडविच जो आप खाते होंगे, तो फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट आप सबके घर में बनते होंगे तो वो बनाते हैं जी, चेक करते हैं। क्या बात कर रही है? मैं कह रहा हूँ चेक करते हैं, सारी जिंदगी खा के और आज चेक करेंगे, खाते रहते हैं हम तो, आप भी दिहाड़ी खाते ना रहते बता दी होंगे। कल। चलो बना लेते हैं, अपना खाना खा रहे हैं बैठ के। ओ मोबाइल अभी नीचे गिरने वाला था, ये दोनों अपना खाना खा रही हैं। ये बच्चा बड़ा प्यारा है, ज़रा भी गन नहीं डालता, जब भी कुछ आए लिटर यूज़ करता है, गन भी नहीं डालता और बहुत प्यारा बच्चा है। और ये बच्चा हमारे घर सबसे प्यारा बच्चा, गुस्सा देखे कैसे करता है कि सबको खाना दे रहे तो मुझे भी खाना दो, ये गंदा बच्चा, ये तो सबसे प्यारा बच्चा है। अच्छा जो शैम्पू से जिसको इसको जिससे नहलाया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यू ना बंटिस की ना, से किस चीज़ की थी, किस बंटिस की, चॉकलेट की और मिल्क की खुशबू आ रही है, चॉकलेट की और मिल्क की इतने खुशबू आ दिन रही हो है, गए, एक हफ्ता हो गया। इतना दिल करता है ना इसको, खा जाओ इसके कान, खा जाओ इसकी नोज, खा जाओ। नूर मैडम गुस्सा खा रही है। अभी नूर मैडम ने एक इस हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, इस हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, ये उतारी है नूर मैडम ने और अब कह रही है मुझे दोबारा पहना दो, पीछे हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों नुई? पहन रही है, कोशिश कर रही है जी पहनने की, उन्हें बीटू वो कह रही है पहले मैं खेल लूँ उसके बाद पहनूंगी। ये पता है ये क्या हुआ है नूरी को,
ये नूरी का ना ये बॉडी जल गई है, ये नूरी की बॉडी खराब है आज, इसका मूड बहुत खराब है जी, इसका मूड ना सख्त खराब है सख्त। अभी मैं मारूंगा फिर बदला लेगी, देखना गिर जाएगी पीछे पानी। देख ये देख, देख बहुत मूड खराब, देखो पता नहीं क्यों क्यों कुछ करती हैं आप, क्यों ये मारो इसको मारो इसको, किस दादा की पोती, मारो इसको, नहीं किस दादा की पोती है, इसके दादा की बर्थडे है, मारो इसको, इसको मारते क्यों नहीं, इसको मारो, मारो इसको, मारो 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 इसको, ये इतनी प्यारी बच्ची है, नहीं मुझ कहती मारो इसको, मारो इसको। और जी मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी, मुझे बहुत दफ़ा ऐसे कमेंट्स आते हैं लेकिन मैं ना हमेशा इग्नोर करती हूँ क्योंकि मैं लोगों की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ना बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आया कि आप के खुदा का खौफ करो, बिल्लियों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप लोगों ने रखा हुआ है और अपनी सेहत भी बर्बाद करोगे और घर वालों की सेहत भी बर्बाद करोगे इतनी कैट्स रखकर। तो उस कमेंट पे ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए कि अक्सर लोगों को लगता है कि ये कैट्स जो है ना या जो नए आते हैं ना कि हम इनसे कोई बिजनेस करते हैं, हम ब्रीडिंग कराते हैं, मैंने इनसे पैसे कमाने हो ना तो मैं अपने बच्चों का ऑपरेट ना करवाऊँ। नूर कितनी दफ़ा हीट पर आ चुकी है और उसकी हीट जो है ना अभी तक उसकी मेटिंग नहीं हुई है क्योंकि मेरे सारे मेल्स न्यूटर हैं। हम इनसे पैसे कमाते नहीं हैं बल्कि हम अपने भी जितने कमाते हैं ना वो इनके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि आप देखें मेरी बात सुने, मुझे डेली बेसिस पे कोई हज़ारों मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, हर जगह पे कि हमारी कैट्स आप ले लें, हमारी कैट्स आप ले लें, हमसे हमारे हालात ख़राब हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों से आप लोगों की एक दो कैट्स अफोर्ड नहीं होती हैं तो माशाल्लाह हमारे पास तो कितनी है, ख़ुद अपने दिमाग से सोचें कि इनका एक्सपेंस कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, ये अपना नसीब ले कर आते हैं, ये अपना नसीब लाते हैं तो हमारे घर से खाते हैं। आप लोगों से दो बिल्लियाँ अफोर्ड नहीं होती हैं और हम लोग इतना करें और हम इनसे कमाते हैं। खुदा का खौफ आप लोग करें किसी को हर्ट करने से पहले, जो लोग मुझे इस तरह के करते हैं ना कमेंट्स करते हैं कि मैं कितनी हर्ट होती हूँ, हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी हैं, इनके ये हमारे बच्चे और इनकी वजह से मैं और फ़ुज़ैल तो कहीं आउटिंग पे नहीं जाते, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, कितना आपने देख लिया है। पिछले कुछ दिनों से मैं इतना डिप्रेशन में थी, जब से फ्लोरा की डेथ हुई थी आप देख रहे थे कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन में मैं बीमार हो जाती हूँ, लेकिन मैं डिप्रेशन में भी होकर कहीं नहीं बाहर गई कहीं आउटिंग पे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी और फ़ुज़ैल की ज़िंदगी सिर्फ इन बच्चों की हो गई है और आप लोग मुंह खोल के एक सेकंड में अगले का दिल दुखा देते हैं और उसको ना हर्ट करके रख देते हैं। तो इनसे हम लोग कुछ नहीं कमाते बल्कि जितना हम कमाते हैं ना वो सब का सब इन पर लगाते हैं, अपना भी नहीं सोचते हैं। सो प्लीज़, और अपने ये जो लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारी भी कैट्स ले लें, हमारी भी ले लें, तो आपने अगर अपने पास कैट्स रखी हैं तो उनको दिल बहलाने के लिए ना रखें, उनको अपना बच्चा समझ के अपने पास रखें, ठीक है ना। अभी फ़ुज़ैल उठेंगे तो फिर आएगा खाने। खा लो। एक और उम्मीदवार आ गया खाना लेने के लिए। ओ मुझ पे गुस्सा कर रही हो, इधर आओ ना, देती हूँ कुछ, आ जाओ। इसकी माँ को भी यहाँ पे मार दिया गया है, कुछ महीने पहले मारा था इसकी माँ को, लोग रुकते ही नहीं हैं, बाज ही नहीं आते, आप जो मर्ज़ी कर लो, जितना मर्ज़ी बोल लो, जब तक हमारे कंट्री में लॉज नहीं बनेंगे ना तब तक डॉग्स किलिंग बंद नहीं होगी। आ जाना बच्चे, कुछ नहीं कह रहे आपको, डर रहे मुझसे। ये ना छोटे के पास आ रहा था तो मैं इसको दूर ले आई हूँ कि कहीं उसको वो बच्चा ना उसको खा ना जाइए। और अभी है जी ये नेक्स्ट डे और आज हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सबसे बड़े बच्चे की बर्थडे है, हमारे मिल्क शेक की बर्थडे है, जो टेडी के बाबा हैं, बड़ी नूर बानो के दादा बू हैं वो,
और मिकी जो है माशाल्लाह से आज 8 साल का हो गया है, और उसकी बर्थडे पे मम्मा को मैंने कहा था आप यहीं पे आ जाएं, पहले तो उनके घर पे सेलिब्रेट होती थी, तो आज हमारे घर में हो रही है। मैंने बनाए थे सिंगापुरियन राइस बनाए थे, गाजर का हलवा बनाया था और पिज्ज़ा बनाया था घर में। देखने में तो ये 2-3 चीज़ें ही हैं, लेकिन इतना मुश्किल था ना, इनके इतने छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो हमने बस मिकी की बर्थडे सेलिब्रेट की, माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। और कैट्स जो होती हैं ना, कैट्स चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए ना, उनका जो IQ लेवल होता है वो 1-2 साल के बच्चे जितना ही होता है हमेशा। तो मिकी घर आया तो मिकी को बस था जल्दी जल्दी से मैं वापस चला जाऊँ, क्योंकि उसको अपने घर में ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा देर रुकता भी नहीं है। आके कभी बिलाल के शोल्डर पे चढ़ जाता था, कभी दरवाजे में बैठ जाता था, अभी भी यहाँ देखे बिल्लू के शोल्डर पे चढ़ के खड़ा हो गया कि बस मुझे ना आप जल्दी से वापस ले जाओ घर। जब ये हमारे पास आया था तो उस टाइम ये था 1.5 साल का था, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह उस टाइम हमने इसको 15,000 का लिया था, तो अब तो माशाल्लाह से इसके भी इतने बेबीज़ हो चुके हैं। तो अब हम इसका केक कट कर रहे हैं। मैंने इसको पकड़ तो लिया था बट बड़ा डिस्टर्ब था, केक भी नहीं कटवा रहा था, तो खैर मैंने खुद ही काटा, इसका मुंह मीठा करवाया। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को बहुत लंबी उम्र दे, और माशाल्लाह ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे मिकू के लिए। तो मिकू का भी मैंने मुँह मीठा करवाया, और जो रेसिपीज़ जो हैं वो भी रिकॉर्ड की हैं। बस दुआ करें टाइम मिल जाए तो अपलोड कर दूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।